हे यशवन, अगर आपका एग्जाम 2024 में है और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है। डियर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ आज के क्लास में हम लोग 12th ज्योग्राफी के 30 ऐसे एमसीक्यू प्रश्नों का टेस्ट लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो डियर, बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए इस टेस्ट देने के लिए। और काफी बच्चे बोल रहे थे, सर आप टेस्ट लीजिए ज्योग्राफी का, तो सो फाइनली टेस्ट लेकर के आ गए हैं और इसमें 30 हम लोग प्रश्न को कलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर, आप इस टेस्ट के साथ साथ आप लोग इन 30 प्रश्नों को अच्छे से एकदम बिल्कुल रट लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको 70 से 80% क्वेश्चन 100% आपको पूछे जाएंगे। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 30 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं, कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इसमें छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, सो और इसमें पहले टेस्ट देने से पहले आप लोगों को हम बता दें इसका रूल नियम। एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा और 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको एनी आंसर देना होता है, राइट। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पे है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में, न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन, जेनेवा। तो बताइए डियर, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए आप काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है, और इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताइए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। चलिए बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए बताएंगे। हाँ, तो देखिए, पहला आपका मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा आपका महाराष्ट्र। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा होगा मेरे डियर? तो हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, यानी राजस्थान। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। जो बच्चे आप लोग राजस्थान बता रहे, आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की अगर बात करें तो गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, चलिए देखिए, आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया गया है और आप लोग बिल्कुल तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि गोंडवाना कोयला के लिए कहाँ पाया जाता है। चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, झारखंड इसका आंसर। जो बच्चे आप लोग झारखंड बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा, झारखंड विल बी द आंसर, यानी क्या हो जाएगा, सी इसका, यानी झारखंड राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन होगा मेरे प्यारे, जल्दी बताएंगे। तो विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा, आपको जानते हैं नील नदी है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया क्या, यानी भारत का। तो चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, गंगा नदी इसका आंसर आप लोग का, गंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। चलिए मेरे प्यारे, बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? चलिए, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, जल्दी बताएंगे। चलिए, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, अफ्रीका का जो है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, और ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। चलिए, ऑप्शन आपके समक्ष में दिया हुआ है, लोह इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र। तो हम लोग जानते हैं कि यानी सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बिल्कुल आप सभी बच्चों का समय समाप्त होता है, और सूती वस्त्र, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं सूती वस्त्र के लिए, बिल्कुल इसका आंसर आपका सूती वस्त्र राइट आंसर होगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, निम्न में से कौन रोपण फसल है? नहीं है, रबर, चाय, गन्ना, चावल। तो रोपण फसल नहीं है की बात कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं रोपण फसल, एक रबर एक रोपण फसल है, चाय भी एक रोपण फसल है, गन्ना भी है, बट चावल जो है एक रोपण फसल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चावल, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में क्या कहलाता है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, तिरचतुर्थक। तो आपको सवाल ये है कि यहाँ आप, यानी प्राथमिक मतलब गांव के जो ग्रामीण बस्ती के लोग जो होते हैं, ग्रामीण गांव के लोग, वो कौन सा कार्य में जो है मतलब संलग्न रहते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन जो करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं? तो बिल्कुल आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र में जो है लोग यानी संलग्न रहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ जाएगा, मछली पकड़ना आ जाएगा, इन सभी चीजों है कहाँ जाएगा, यानी टोकरी बुनना वगैरह सारा चीज ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का समय समाप्त होता है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, बिहार।
चलिए तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे, जल्दी आंसर बताएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन है, तो अपना बिहार है यार, हम लोग तो पता ही, हम लोग अपना बिहार है, कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बसे हुए है। लेकिन सबसे कम यहाँ आपको पूछा गया है, तो सबसे कम आप लोगों को बताना है अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर आप लोग का अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, कि पर्वतों में ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, रेखिक, वृत्ताकार, सीढ़ीनुमा, आयताकार। तो देखिए पर्वतों पे जो है किस प्रकार की बस्तियां पाया जाता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं पर्वतों पर जो है किस प्रकार की बस्तियां पाया जाता है सीढ़ीनुमा आकार का, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सीढ़ीनुमा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है प्रसिद्ध है, तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, पंजाब। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं कि ये जो है मेघालय में, कहाँ पे है मेघालय, इसका आंसर आप लोग का मेघालय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, जो पर्यटक जो आते हैं घूमने के लिए, तो कौन सा वो महादेश में आते हैं सबसे अधिक, तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है उत्तरी अमेरिका, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है मेरे प्यारे, जल्दी बताइएगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या है, बिल्कुल पहला आपका सीमांत सड़क, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सवे या स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग, यानी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर, हम्बोल्ट, रेटजेल, ब्लास। चलिए बताइए मेरे प्यारे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलिए मिलता है आपको 3 से 4 सेकंड का समय, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आप जो होगा यानी ग्रिफिथ टेलर, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, कृष्ण डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे, हम लोग जानते हैं कि इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है कौन सा है, तो गंगा डेल्टा, इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे सी बताए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है, चलिए बताइए 10 लाख होती है, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, या 1 लाख। तो हम लोग जानते हैं मेघानगर की जनसंख्या जो होती है वो 50 लाख से अधिक होती है, और इसका आंसर आप लोग का 50 लाख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, फरीदाबाद किस राज्य में, राज्य का एक शहर है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। चलिए मिलता है आपको 4 से 5 सेकंड का समय, और इसका आंसर आपको देना होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, बिल्कुल आप जितने सारे बच्चे उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। चलिए मिलता है आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिलता है, जल्दी बताइएगा किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है मुंबई, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो मेरे प्यारे बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, जल अभाव वाले क्षेत्र में जो है किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, प्रकीर्ण, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, ब्राजील से कॉफी बगान को क्या कहा जाता है, ब्राजील में जो है कॉफी बगान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ब्राजील के कॉफी बगान को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे। चलिए तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि फेजेंडा इसको कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके समक्ष में, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, कुटीर, उपभोक्ता, वृत्त या प्राथमिक। चलिए बिल्कुल आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिलता है, ठीक है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे। जो बच्चे आप लोग उपभोक्ता बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, आखेट, मछली पकड़ना, कृषि, व्यापार। चार ऑप्शन आपके समक्ष में दिया हुआ है, इसमें से तृतीय क्रियाकलाप की बात करना है, जो हमें सेवा प्रदान करता है वो इनमें से कौन सा क्रियाकलाप है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है, और बिल्कुल इसका आंसर जो बच्चे व्यापार बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर व्यापार जो होगा इसका आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 23, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोधगया। तो इनमें से आपको बताना है कि राजधानी नगर कौन सा, यानी कौन सा राज्य का राजधानी है
चलिए बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ इसका आंसर होता है, यानी बिल्कुल इसका आंसर चंडीगढ़, क्योंकि एक राजधानी नगर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार, व्यवसाय। जो देखिये पुरुष जो है, पुरुष प्रवास जो होता है किसके कारण होता है? हम लोग जानते हैं कि आदमी जीवन यापन के लिए, ठीक है, काम और रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी जो होगा राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल प्लीज आप लोग जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके आप लोग शेयर कर देंगे। अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैनल के माध्यम से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको तैयारी करवाया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में, जल्दी बताइए। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से यानी किस एक की मतलब कोटि उच्चतम है? तो मेरे प्यारे बताइए, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों से किस एक की कोटि जो उच्चतम है, तो वो केरल का है और इसका आंसर आप लोगों का केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। इनमें से सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात करें तो कौन सा होगा? आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय और जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है मेरे प्यारे। हम लोग जानते हैं कि प्रदूषित नदी की अगर जी बात करें तो इसका आंसर आपका यमुना नदी हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का यमुना जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतरदेशीय व्यापार कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, स्थानीय व्यापार या बाह्य व्यापार। चलिए बताइए दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? सब जानते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश से व्यापार किया जाता है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, और अंतरदेशीय व्यापार जब अपना देश में ही किए जाते हैं व्यापार तो उसको अंतरदेशीय व्यापार कहते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। चलिए मिलता है आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर में आपको इसका आंसर देना होता है। तो मेरे प्यारे हम लोग जानते हैं कि देखिए इसमें से कौन सा नदी तट पर अवस्थित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पटना जो है गंगा नदी के किनारे, आपसे सवाल पूछा जाएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, सब जानते हैं। भोपाल कोई नदी के किनारे नहीं है। कोलकाता हम लोग जानते हैं हुगली नदी के किनारे है। बिल्कुल इसका आंसर मतलब क्या होगा आपका, यानी भोपाल, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोडा नाभिक के ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो नरोडा नाभिक के राज्य जो है मतलब कहाँ पे है नरोडा नाभिक के, हाँ बताइए नरोडा नाभिक के जो है मतलब ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा राज्य में है? आपको मिलता है 3 से 4 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे। नरोडा नाभिक के ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? चलिए बिल्कुल जल्दी बताएंगे नरोडा नाभिक के ऊर्जा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होता है और उत्तर प्रदेश जो बच्चे बताए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपके समक्ष में, 30 नंबर सवाल क्या कहलाता है? कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? मेरे प्यारे जल्दी बताएंगे, आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलता है। हम लोग जानते हैं चॉकलेट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कावा, कोको, गन्ना, चुकंदर। चलिए मिलता है आपको 2 से 3 सेकंड का समय मिलता है और बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताएंगे कोको में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है। ये जो है कोको मिलाया जाता है, मतलब कौन सा यानी चॉकलेट में क्या मिला जाता है? कोको। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे 30 ऐसे प्रश्न जो आपके बार बार एग्जाम में आते थे, उन 30 प्रश्नों में से आप लोग कितने का आंसर दिए हैं प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बच्चे अभी तक आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह अगर आप लोग शेयर नहीं किए तो मेरे प्यारे आप लोग प्लीज शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है जुड़ पाएंगे। तो चलिए प्यारे यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।